सो हाय गाइस, मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स एंड सेम के चल रहे हैं, विच मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हो गए अभी तक। जो जो भी मेन एग्जाम्स जो होते हैं ना, जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम्स हो गए हैं। एंड आई थॉट कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं कि क्या जेई मेन या फिर नीट का प्रिपरेशन आईटी के लिए इनफ है या नहीं, है ना। तो मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊँ, तो आज थोड़ा टाइम मिला तो मैं इसकी वजह से इस पर वीडियो बना रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जेई मेन्स का प्रिपरेशन जो कि तुम कर रहे हो या फिर नीट के लिए कर रहे हो, क्या ये इनफ है या नहीं। पहले तो मैं जेई मेन्स के लिए बताऊंगा, फिर नीट के लिए बताऊंगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो जेई मेन्स का प्रिपरेशन इज इनफ, हाँ इनफ है, ठीक है। तुम जो भी जेई मेन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जितना भी तुमने थियोरी वगैरह पढ़ा, इट्स रियली इनफ। बट द थिंग इज, वॉट यू वॉन्ट टू एड इन योर प्रिपरेशन इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फिजिक्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट दैट विदाउट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई डोंट थिंक सो कि तुम आईटी के क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कोई कुछ भी नहीं कर पाओगे, कर पाओगे जो भी फॉर्मूला भेज रहे, बट पूरे नहीं कर पाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएंगे कोई कोई क्वेश्चंस, हो सकता है, ठीक है। तो जेई मेन्स में क्या होता है कि इफ़ ऑब्वियसली वहाँ पे भी कोई कोई क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जो तुम्हें क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता है ना, तुम्हें अगर कंसेप्ट ना पता हो तो तुम्हें ट्विस्ट कर देता है। एंड इफ यू फेल इन कंसेप्ट, तुम्हें फॉर्मूला याद होकर भी कोई फायदा नहीं है ना। तो आई वुड से जो भी तुम थ्योरी पढ़ रहे हो जेई मेंस के लिए, इट्स मोर देन इनफ। क्वेश्चन जो भी कर रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। बट द थिंग इज, जो भी तुम क्वेश्चन करते हो उसे कंसेप्ट के एंड थिंकिंग थिंकिंग बिल्डअप करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जस्ट मेक द पिक्चर ऑफ द सिनेरियो इन योर माइंड, राइट? दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और मैं लास्ट के एक महीने में ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, कि तुम एक क्वेश्चन का सिनेरियो ही बिल्ड करके एक घंटा बिता रहे हो। लास्ट के वन वन मंथ में ये सब मत करना। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आईटी का खेल चलता है ना। सो फॉर केमिस्ट्री आई वुड से इट्स मोर देन इनफ। जो भी तुमने जेई के लिए पढ़ा है सेम टू सेम आईटी के लिए आता है। जस्ट द थिंग इज, जेई मेन्स में जब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म मैंने उतना नहीं देखा है कि मैकेनिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है। इट्स लाइक मोर अदर देन, तुम्हें पता होगा तो तुम डायरेक्टली कर दोगे, बट आईटी में मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे चल रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, या जो भी कुछ भी, SN1, SN2, E1, E2, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, जो भी है, कौन सा रिएक्शन कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, जो भी है, सब तुम्हें मैकेनिज्म पता होना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें बेसिक मैकेनिज्म्स पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई कोई कभी कभी बेसिक मैकेनिज्म ही बहुत काम आ जाता है एग्जाम्स के लिए। बाकी इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। जो जेई में है सेम टू सेम आईटी में, आईटी के लिए आ जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स मैथ्स। ओके, फॉर मैथ्स आई वुड से कि जेई का, मुझे तो जेई के जो क्वेश्चन है इट मोर ट्विस्टेड लगता है एज कम्पेयर टू आई टी। आई टी का जो मैथ्स है इट्स मोर ईजियर देन मैथ्स इन जेई मेन्स, है ना। मुझे, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, जब जहाँ से मैंने पेपर जब एनालिसिस किया, मुझे जेई के क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी वगैरह दिखे। बट ऑन दी अदर हैंड, जब तुम आई टी के क्वेश्चन देखोगे ना मैथ्स के, इट्स मोर लाइक तुम अगर सोच पा रहे हो ना क्वेश्चन, इट्स आई एम टोटली सेइंग कि आई टी का पेपर इज, तुम अगर सोच पा रहे हो क्वेश्चन को, दिमाग में बना पा रहे हो क्वेश्चन को, देन इट्स इजियर फॉर यू। ओके, तो मैथ्स में क्या होता है ना, जेई मेंस में इफ़ यू नो द फॉर्मूला तुम कर पाओगे, और तुम्हें ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स मोर लाइक, हाँ भाई फॉर्मूला आ रहा है जल्दी से कर दो, ठीक है। बट इस अभी अभी क्या हो रहा है, इस टाइम के पीरियड में जेई मेंस में भी वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बट आईटी में शुरू से ऐसा हो रहा है कि तुम मैथ्स इज लाइक, तुम्हें फॉर्मूला ऑब्वियसली होना चाहिए यार, सब तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, आई वुड से तीनों में तुम्हें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, मैथ्स जब तुम करोगे ना, तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो समझ, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और उसके लिए आई रिकमेंड यू कि तुम एनसीईआरटी एग्जेम्पलर करो, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जेम्पलर करोगे तो तुम्हें एक ही पूरा चैप्टर का बहुत सारा रिविजन एक ही क्वेश्चन में अप्लाइड फॉर्म में दिखेगा, है ना। तो तुम वो सब करो, और जी मेन्स के क्वेश्चंस मैथ्स के लिए इनफ है, ठीक है, तीनों के लिए इनफ है, तुम वो करोगे हो जाएगा। बट जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ ना, वो भी करना, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए तुम्हें कोई कम नहीं है भाई, तुम कहाँ से भी लगाओ ना, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि मैं खुद जेई के लिए प्रिपेयर करता था, आई नो दैट थिंग, कि मैं जेई के क्वेश्चंस पूरे लगा दिया था, है ना। तो जेई इज मोर देन इनफ। तुम जेई के एमसीक्यू कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। कोई तुम्हें अगर बोल रहा है ना कि बहुत तुम वेग चले जा रहे हो, ये कोई काम का नहीं है, दे आर जस्ट लाइंग टू यू, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अभी हम नीट वालों की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर द नीट पीपल आई वुड से कि बायोलॉजी इज कम्प्लीटली फ्रॉम द एनसीईआरटी। नीट का पेपर में बायोलॉजी इज मच मोर लाइक एनसीईआरटी बेस्ट। बट जब तुम आईटी का पेपर दोगे, इट्स मच मोर लॉजिकल। तुम्हें अगर जेनेटिक्स में लॉजिक्स पता है कि क्या होता है क्या नहीं, देन यू कैन इजिली क्रैक बायोलॉजी, ठीक है। इट्स नॉट सो हार्ड इन आईटी इफ यू आर एस पर्सन इन बायोलॉजी, ठीक है। अगर तुम्हें कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स इट, यू आर डन। और तुम्हें एनसीईआरटी का लाइन तो वैसे भी तुम्हें याद है क्योंकि तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं होगा। बट
वॉट आई एम सेइंग इज कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें अगर बायो तुम दिल से पढ़ रहे हो, तुम अंडरस्टैंड करके पढ़ रहे हो ना, इट्स लाइक पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है, तुम इजिली क्रैक कर पाओगे. और बात रही फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, इट्स नॉट इनफ, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, इट्स नॉट इनफ. यू हैव टू डू एटलीस्ट जेई मेन को तुम्हें टच करना होगा, तभी तुम उसके क्वेश्चंस बना पाओगे, ठीक है. तो मैंने बोल दिया सबके लिए कि तुम नीट या जेई से कर उतना प्रिपरेशन काफ़ी है, तो जेई वालों के लिए हाँ, बट मोर कंसेप्ट बिल्ड करो, मोर कंसेप्ट, मोर पिक्चर्स तुम अपने ब्रेन में बनाओ कि सीन क्या हो रहा है क्वेश्चन में. फॉर बायोलॉजी, फॉर नीट स्टूडेंट, बायोलॉजी इज इनफ, तुम जो पढ़ रहे हो इट्स ओके, इट्स फाइन, बट समझ के पढ़ना, ठीक है. ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बस याद करते जा रहे हो, नो, वो कुछ काम का नहीं होगा फिर. आईआईटी इज नॉट फॉर यू देन, ठीक है. आईआईटी में समझ के काम लेना होगा. और फिजिक्स और केमिस्ट्री, इट्स इट्स लाइक तुम्हें लेवल बढ़ाना होगा, तुम्हें जेई के लेवल के करना होगा, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में बना सकता हूँ कि तुम कैसे 120 प्लस स्कोर कर सकते हो, लाइक स्ट्रैटेजी होता है ना, 2 मंथ ब्लॉक स्ट्रैटेजी नहीं, जो पेपर में जो तुम अप्लाई करोगे ना, वो वाली स्ट्रैटेजी मैं बता सकता हूँ, वैसे तुम 120 प्लस एटलीस्ट स्कोर कर पाओगे. सो इसके बाद में अगर 2K सब्स हो जाएगा, तुम्हें अभी तो एग्जाम चल रहा है ना, तब तक के लिए 2K सब्स अगर हो रहा है देन आई विल श्योरली मेक दिस वीडियो, और नहीं हो रहा है तो भी मैं बना दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर कोई डाउट्स होगा यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. टाटा, बाय बाय.